सुप्रभात बच्चों, मैं मोनिका केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो प्यारे बच्चों करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक सबके सामने पाठ चार नन्हा फनकार लेकर प्रस्तुत हूँ। और मैं आशा करती हूँ आपको कि आप सभी में ये बताना चाहती हूँ इस पाठ की के एक एक शब्द को विद्यालय राजगढ़ में और प्राथमिक शिक्षिका के पद पर कोई भी कमी रह जाती है या फिर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे चाहती हूँ। तो चलिए बच्चों, आज का आदर्श पाठन और साथ साथ इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं या जो भी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आएगी वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। कोई भी शब्द समझ नहीं आता है तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, देख रहे हैं कि सबसे पहले नाम एक बालक केशव है। कुछ केशव 10 साल का बच्चा है और आपको जैसा चित्र में दिख रहा है किसी वस्तु घंटियों पर रख नक्काशी कर रहा है, बनाने की नक्काशी करते करते कोशिश कर रहा है। वह तो इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आखिर वह बच्चा कौन है और क्या करना चाहता है। तो नन्हा फनकार एक नन्हा चौकोर लाल पत्थर के वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। जल्दी जल्दी कोई तो बच्चों चौकोर का मतलब होता है चार कोनों वाला पत्थर, ठीक है। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाने का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे बोलना, आराम से बोलना ताकि किसी को सुने ना, और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। क्या आपने कभी छेनी हथौड़ा देखा है? चलिए मुझे बताइए कि आपने छेनी हथौड़ा कहाँ देखा है, मुझे आप लिखकर भेजेंगे। उसके बाद कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना मतलब निकालना या बनाना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधबनी मतलब अधूरी, यानी कम, उसमें कम कड़ियाँ या फिर कम कतारें बनी होंगी, अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी मतलब बहुत ही ध्यान से हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी करना क्या होता है बेटा? नक्काशी करना होता है किसी भी वस्तु पर, ज़्यादातर नक्काशी जो होती है वो पत्थरों पर की जाती है, ठीक है, और धातुओं पर की जाती है। नक्काशी का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर किसी भी तरह का चित्र बनाना। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर फूल पत्ते उकेर दिए जाते हैं, फूल पत्ते बना दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों पत्थर पर ये काम करना और धातु पर ये काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता मतलब निकलता या फिर दिखाई देता, उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। किरचे मतलब क्या होता है? जैसे छोटे छोटे टुकड़े। जब भी हम किसी पत्थर पर हथौड़ा लेकर, मुझे ये बताओ क्या आपने, सबसे पहले मुझे ये जानना है क्या आपने छेनी हथौड़ा देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ।
जैसा कि आप देख रहे होंगे ये छेनी है और ये हथौड़ी या हथौड़ा कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब हमें किसी वस्तु पर जो उसको उकेरने के लिए जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम हल्के हल्का उस पर मारते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हथौड़े के, तो मैं कहाँ पे थी कि जहाँ पर जो हम पत्थर को मारते हैं तो किरछे मतलब होते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते हैं, तो वो उनको जब भी हम पत्थर के टुकड़े पर हथौड़ा मारेंगे तो डर रहता है कि कहीं उसकी किरछे हमारी आँखों में ना गिर जाए। तो वे जो छोटा सा बच्चा था वह अपनी आंखें सिकोड़ लेता, यानी कि डर के मारे आंखें बंद करने की कोशिश करता, साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगत राश मतलब बेटा कलाकार होते हैं ये भी, जैसे जो कुछ भी तराश देते हैं कुछ भी निकाल देते हैं, तो अक्सर ये पत्थर पर कुछ भी डिज़ाइन निकाल देते हैं बना देते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरह के कलाकार जो पत्थर पर बेल बूटे आदि बनाने का काम करते हैं। डूबे हुए का मतलब होता है कि मगन रहना, यानी कि उसमें किसी ऐसा ध्यान ही नहीं रहता कि उनके आसपास कोई है या उन्हें और किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता। केशव, अब ये केशव कौन है? हाँ बच्चों, केशव वही छोटा लड़का है जो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। केशव 10 साल का था, यानी कि वह 10 साल का बच्चा है और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने से वह सीधी लकीरों और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। इसका मतलब क्या है कि जो उसके पिता हैं वह भी इसी का काम करते हैं, यानी कि नक्काशी करने का, यानी कि पत्थरों पर धातुओं पर बेल बूटे या किसी भी तरह की कलाकारी उकेरने का काम करते हैं। एक बार करके दिखा देने से पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा, यानी कि क्या जानता था बच्चा, एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, यानी कि बेटा बहुत छोटी छोटी जालियाँ, छोटी छोटी रचना, छोटी छोटी कला, ठीक है। जालियाँ मतलब होता है जैसे जालियों का डिज़ाइन आपने देखा होगा कि जैसे आला टाइप, यानी कि जैसे अभी आपको चित्रों में मैं दिखाऊंगी, जब हमारी पुरानी जो इमारतें हैं उनमें ज़्यादातर इमारतों में जालियों का डिज़ाइन बना हुआ है। महीन नफीस का मतलब होता है, महीन मतलब बिल्कुल बारीक काम, ठीक है, नफीस मतलब एकदम सुंदर बढ़िया अद्भुत। बेल बूटे कमल के फूल लहराते हुए सांप, यानी कि ये सारे क्या दे रखे हैं बेटा कि क्या क्या नक्काशी की जाती थी, बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, यानी ये घोड़े, ठीक है, ये सब भी वह पत्थर पर उकेर पाएगा ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब, मुझे लगता है कि सबको एक एक चीज़ समझ आई है। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये छेनी और हथौड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, अभी अभी आपने पढ़ा कि केशव क्या चाहता है कि वो इठलाकर चलते हुए घोड़े, ठीक है, इठलाकर चलते हुए घोड़ों को
क्या करें, दिखाएं कि भाई कैसे इट लागे। तो ये ऐसे बेटा जैसे आप देख रहे हो ऐसे पत्थरों पर नक्काशी की जाती है, पत्थरों पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग डिज़ाइन उकेरे जाते हैं। उकेरना मतलब बनाना या उभारना, ठीक है। तो ये घोड़ों पत्थर पर ही है ये नक्काशी, जैसे घोड़ों का डिज़ाइन ये आपने पत्थर पर, लेकिन ये पत्थर पर ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये भी ये रंगों से बनी हुई घंटियां हैं, यानी इनमें रंगों से कलाकारी की गई है। आजकल बहुत अलग अलग तरह की घंटियां आती हैं और अलग अलग तरह की ही कलाकारी पाई जाती है। उसके बाद जैसे उसने बोला घुमावदार, तो ये जो घंटी है इसमें कुछ घुमावदार डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये घंटियों पर भगवान ईश्वर की कुछ प्रतिमाएं दिखाई हुई हैं। ये जो पान के पत्ते की तरह डिज़ाइन बनाया गया है तो ये घुमावदार है, घुमावदार डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये कैसा है, बेल बूटे, ठीक है, महीन नफीस, यानी कि एकदम बढ़िया है, एकदम बारीक काम है और बेल बूटे भी उस बनाए गए हैं। तो ये सारे बच्चों मैंने आपको बताया कि ये बेल बूटे, ठीक है, घोड़े भी दिखा दिए मैंने आपको कि किस किस तरीके से पत्थर पर नक्काशी करके हम घोड़ों को उकेरते हैं। अब बच्चों जब बात हो रही है कि हम पत्थर पर काम करने वाले, कि हम एक ऐसे कलाकार के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा बालक जो सिर्फ 10 साल का है, ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे भी देश में एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका नाम दशरथ मांझी था। उन्होंने बच्चों अकेले बिना किसी का सहारा लिए हुए पहाड़ को खोदकर, यानी कि सिर्फ 2 वस्तुओं का, 2 औजारों का इस्तेमाल करके, छेनी और हथौड़े का, पहाड़ को काटकर सड़क का निर्माण किया था। तो आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, इस बात को जानकर आपको आप उनकी मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप मुझे, अगर आप घर में बैठे हैं और कभी आपको खाली समय मिले तो देखना एक बार, दशरथ मांझी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहाड़ को स्वयं काटकर रास्ता बनाया था। चलिए आगे करते हैं। अब ये जो चित्र आप देख रहे हो, मैं आपसे इस चित्र के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं यह चित्र किसका है? यह चित्र बादशाह अकबर का है, जिन्होंने अनेक भारत देश में अनेक इमारतों का निर्माण कराया और इनके द्वारा बनाई गई ज़्यादातर इमारतों में बहुत ही महीन और नफीस नक्काशी की गई है और इन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल बनवाए जिन्हें आज हम देखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। पैदा मतलब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। बादशाह मतलब राजा अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि आगरे
कि बादशाह अकबर हमारे भारत देश में मुगल साम्राज्य के राजा थे, जिन्होंने बहुत सारे किले बनवाए, बहुत सारी इमारतें बनवाई। तो ये जो कहानी मैं आज आपको नन्ना फनकार जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत है, यह उस समय की है जब महाराज या बादशाह अकबर राज किया करते थे। जैसे बच्चों आज 2020 चल रहा है, वैसे ही उस समय 1526 के आसपास मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, और अकबर के आते आते 1556 ईस्वी के आसपास ये आगरा में राजा बने थे, और इन्होंने विभिन्न किलों का निर्माण भी शुरू कराया था। केशव के पिता को यही काम मिल गया, यानी कि केशव के पिता कहाँ काम करते थे, जो किले बादशाह अकबर बनवा रहे थे वहाँ करते थे। केशव का